क्या आपको पता है कि इंडिया में आपसी रजामंदी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की लीगल एज क्या है? देखिए, क्रिमिनल प्रैक्टिस में अक्सर ऐसे हम केसेस देखते हैं जहां पे लड़का और लड़की ने आपसी रजामंदी के साथ शारीरिक संबंध बनाए होते हैं, लेकिन क्योंकि लड़की की उम्र लीगली एज जो है शारीरिक संबंध बनाने की उससे कम होती है, इसलिए सिर्फ इसलिए लड़के पर रेप का इल्ज़ाम लग जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है और सालों साल लड़का जेल में रहता है। तो देखिए, ये वीडियो आज मैं इसलिए भी बनाना चाहता हूँ ताकि जो हमारे यंग लोग जो हैं इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो सतर्क रहें और इस वीडियो से ये समझे कि कुछ एक्ट्स करने के कितने सीरियस जो है इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देखिए, इंडिया में एक एक्ट आया जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इस एक्ट के आने के बाद नवंबर 2012 से इंडिया के अंदर कंसेंशुअल सेक्स की जो एज थी उसको 16 से 18 कर दिया गया। नवंबर 2012 से पहले तक अगर लड़की की उम्र 16 साल से ऊपर हुआ करती थी और अगर लड़का और लड़की आपसी रजामंदी से शारीरिक संबंध को बनाते थे तो वो रेप नहीं होता था, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद अब 18 साल से किसी भी कम लड़की के साथ अगर कोई लड़का उसकी रजामंदी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वो एक ऑफेंस है और इसके बहुत सीरियस परिणाम हो सकते हैं। इस एक्ट के तहत तो इस एक्ट की मिनिमम जो पनिशमेंट है वो ही 10 साल है। तो कहीं ना कहीं अगर आप मेरा व्यू पूछे तो मेरे हिसाब से आज की डेट में एज ऑफ कंसेंट जो है उसको 18 से कम करना चाहिए और उसको 16 करना चाहिए। अक्सर हमने देखा है ये कि जब भी रोमांटिक रिलेशनशिप्स आजकल काफ़ी जो यंग एडल्ट्स के बीच में बनते हैं उसमें रेप का इल्ज़ाम सिर्फ इसलिए लग जाता है बाद में क्योंकि उन दोनों के बीच में या तो ब्रेकअप हो जाता है या फिर उन दोनों के रिलेशंस का लड़की के घर वालों को पता चल जाता है और जैसे ही लड़की के घर वालों को पता लगता है तो वो एक FIR दर्ज करा देते हैं और उसके बाद उस लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है और सालों साल उस पर ये मुकदमा चलता है जिसके बाद उसको पनिशमेंट हो जाती है। देखिए, आजकल इस तरीके के अडोलेसेंट के बीच के अंदर जो रिलेशनशिप बनते हैं ये काफ़ी आम बात है। लोग अक्सर स्कूल के अंदर एक दूसरे से अट्रैक्शन फील करते हैं, वो रिलेशनशिप में आते हैं और कहीं ना कहीं चाहे आप इसे इमोरल कहें या फिर आप इसे ये कहें कि वो बह गए भावनाओं में, लेकिन इस तरीके के रिलेशनशिप्स बन जाते हैं। मगर क्या इसका मतलब ये है कि हम इसको एक ऐसे क्रिमिनल ऑफेंस बना दें जिसके तहत लड़के को इतने साल 10 साल या इवन 20 साल जेल में रहना पड़े? मेरा ये मानना है कि एज ऑफ कंसेंट को रिड्यूस करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप इसको रिड्यूस नहीं भी करना चाहते तो फिर आपको जो बच्चों की किताबें हैं 8th class से लेकर 12th class तक इसके अंदर पॉक्सो एक्ट, जो ये प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस है, इसको पॉक्सो एक्ट भी कहते हैं, इसके प्रोविजंस को बड़ी ही डिटेल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि उन लोगों को इस बात का पता रहे कि अगर वो ये काम करते हैं तो कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। और इसके साथ ही जो इनोसेंट बच्चे हैं उनको बचाने के लिए तीसरा काम ये करना चाहिए कि अगर लड़के और लड़की की एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जहां हमें ये पता लग जाए कि लड़के ने, हो सकता है कि लड़की की कम उम्र का फ़ायदा उठाया हो,
और उसे बहला फुसला के प्यार का झांसा देके उसके साथ संबंध बना लिए हो। इसलिए एक एज गैप का एक प्रोविजन होना चाहिए कि अगर लड़की और लड़के की उम्र का डिफरेंस 5 साल से ज्यादा है तो फिर वो इस तरीके की प्रोटेक्शन नहीं ले पाएंगे और वो लड़का रेप के ऑफेंस से नहीं बच पाएगा। तो मेरे हिसाब से इस लॉ में इस तरीके की अमेंडमेंट्स आने चाहिए। मैंने भी एक केस चाइल्ड रेप का हैंडल किया था और उसके दौरान मैंने ऐसी कई हाई कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ी जिसके अंदर वो केस को ख़त्म किया गया इस बात पे कि लड़के और लड़की अब शादी कर चुके हैं, लेकिन ऐसा हर बार नहीं हो पाता। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो एडोलेसेंट हैं उनको सही टाइम पे जो है एजुकेट किया जाए और अगर हो सके तो एज ऑफ कंसेंट को रिड्यूस किया जाए। थैंक यू।